नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा एयरक्राफ्ट टेकअप करता है। विमान जा रहा है चिली देश की राजधानी सैन डियागो में। आमतौर पर चिली से सैन डियागो जाने में 3 घंटे का समय लगता है और इस प्लेन में बैठे हैं कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स है तो इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी है। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी, आमतौर पर सैन डियागो और रास्ते में ही रुक जाएंगे। अगले दिन दोबारा उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इस प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है और अगले दिन 13 अक्टूबर को ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर में पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है और 3:21 पर पायलट ने इस प्लेन को डिसेंड करने लगते हैं। प्लेन सैन डियागो के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी रास्ते में बहुत ही पहाड़ियां मौजूद थी जिसकी वजह से प्लेन में टर्बुलेंस देखने को मिल रही थी पायलट को, और काफ़ी समय से बहुत सारे बादल आ रहे थे रास्ते में जिसकी वजह से अचानक से एक बहुत बड़ा अलार्म बजने लग जाता है प्लेन में, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है और वार्निंग लाइट भी बजने लगती है। पैसेंजर बैठे बहुत सारे घबरा जाते हैं और जिसकी वजह से प्लेन रियलाइज़ करते हैं, जैसे जैसे बादल धीरे धीरे हटने लग रहे थे वैसे ही सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आ जाता है जिसे पायलट देखकर प्लेन का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाइट पे मौजूद था वो चट्टान, जिसकी वजह से प्लेन उससे जाकर टकरा जाता है और प्लेन का पीछे वाला हिस्सा नीचे क्रैश हो जाता है। इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें ताकि अगला पार्ट